नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखनाथ मंदिर गुरु गोरखनाथ में दर्शन करने पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना कर ब्रह्मलीन अवधनाथ के समाधि स्थल का माथा टेका है और साथ ही पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी के साथ तमाम लोग वहां मौजूद थे। सीएम योगी ने पूजा अर्चना कर ब्रह्मलीन अवधनाथ में समाधि स्थल पर वहां और इस दौरान वे माथा टेकते हुए नजर आए हैं। वहीं कल पेश किए गए बजट के बाद से हर कोई अपना अपना बयान देता हुआ नजर आ रहा है। हरदोई में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी का एक बयान सामने आया है। इस बजट को देश के उत्थान का बजट उन्होंने बताया है और कहा है कि जिस तरह से बजट आया है, लोगों ने भरोसा किया था और एक बार फिर से वो भरोसा कायम रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इस बजट के लिए बधाई के पात्र है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा है कि महिलाओं को जिस तरह की अपेक्षा थी उस तरह का बजट खरा उतरा है। कहा कि पीएम और वित्त मंत्री ने एक बहुत सराहनीय बजट पेश किया है। महिलाओं, किसानों और साथ ही नौजवानों के साथ हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सपा सांसद डिंपल यादव के बयान पर उन्होंने कहा है कि डिंपल यादव ने कहा है कि वे उस पर नहीं जाना चाहती है, लेकिन हमारा देश क्या चाहता है, देश की महिलाएं, किसान क्या चाहता है, उसको लेकर बजट बनाया गया है। कहा कि उनके समय में क्या किया गया, गरीबों को लूटा गया और महिलाओं को ठगा गया, किसी का हित नहीं किया गया है। वे जानते हैं, जानते ही नहीं है कि देश की महिलाओं को क्या अपेक्षा है, किसान क्या चाहते हैं, और यह बजट देश का उत्थान का बजट रहा है। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री सीतारमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी देना चाहूंगी कि जिस तरह का बजट हमेशा आया और लोगों ने भरोसा किया, एक बार फिर वही भरोसा हम लोगों का कायम रहा। महिलाओं के लिए जो जिस तरह की अपेक्षाएं महिलाओं ने की थी, वही सारी अपेक्षाएं खरी उतरी हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा वही बजट लाया गया और आज हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट रखा वहाँ पर, तो बहुत ही सराहनीय है। उसमें महिलाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया बजट में। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लगातार सनातनी समाज के खिलाफ वक्तव्य के देकर समाज में विद्वेष पैदा करने वाले बहुसंख्यक समाज की भावना आहत किए जाने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया है। पीलीभीत की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। पीलीभीत के बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में गलत व्याख्या कर और साथ ही गलत व्याख्या और साथ ही टिप्पणी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। और साथ ही उनका यह कहना है कि समाज की भावनाओं को आहत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए हैं। और बता दें कि समाज में घृणा और देश का बंटवारा उत्पन्न हुआ है और इतना ही नहीं, प्रयोजित लोगों ने श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को सार्वजनिक रूप से जलाया भी है। और इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने यूपी के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से पेश करने की मांग की है। ऐसी दूषित मानसिकता के व्यक्ति को अविलंब रास्तुका के तहत जेल में डाला जाए, ये उनकी लगातार मांग है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से लगातार देश भर में तमाम जगहों पर इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और ये पीलीभीत की तस्वीर है जहाँ पर लगातार जो लोग हैं इस बयान की निंदा करते नजर आ रहे हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ये है जो लगातार इस बयान की निंदा करते नजर आए हैं। हम सभी लोगों ने पूर्णपुर के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले को दहन किया है, उससे पहले उसकी अर्थी निकाली, जो कि विदित है स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की एक चौपाई को गलत व्याख्या प्रस्तुत करते हुए हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया है और द्वेषपूर्ण माहौल को उत्पन्न किया है। उसको लेकर संपूर्ण हिंदू समाज आक्रोशित है, व्यथित है। आज उसकी शोभायात्रा निकालने का पुतला दहन किया है। हम साथ ही शासन से मांग करते हैं कि ऐसी नीच और क्लीच मानसिकता के व्यक्ति को तत्काल जेल में ठूसा जाए, उस पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए और हो सके तो कानून में परिवर्तन करके बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करने वाले को मृत्यु।
हरदोई में फिल्म के टिकट ब्लैक करने के वीडियो अब वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हाउस बोर्ड का लगाकर दर्शकों का जेब पर डाका डालने का यह मामला सामने आया है। वहीं लोगों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। बता दें कि हरदोई शहर के मीरा सिनेमा में लगी पठान मूवी हाउसफुल जा रही है, जिसके बाद से फिल्म की टिकट को लेकर बता दें कि ब्लैकमेलिंग चल रही है, जिसकी ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से टिकट को लेकर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। और बता दें कि हाउसफुल का बोर्ड लगाया गया है और जिसके बाद से प्रशासन पर भी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। राष्ट्रवादी सेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मांगों को लेकर एक ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आजादी से पहले ही अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को समाप्त किया जाए, साथ ही सेना में जाति धर्म के नाम पर चली आ रही रेजिमेंट को खत्म किया जाए। वही इस रेजिमेंट में नामों को महापुरुषों के नाम पर परिवर्तन कर गठित किया गया है। ज्ञापन देने वाले में संदीप गुर्जर, चौधरी विक्रम सिंह, अंकुर सुशील चौधरी और साथ ही साहन सिंह, राहुल आदि मौजूद रहे हैं। कौशंबी में रहने वाले सविता देवी ने बताया है कि वे शनिवार को घर से निकली और इस दौरान सोमवार तक लखनऊ में धरने पर बैठी रही, लेकिन वहां के लोगों ने कहा है कि आप गोरखपुर जाइए, वहां पर ही आपको न्याय मिलेगा। मैं सोमवार की रात 10 बजे गोरखपुर पहुंची, तभी से मंदिर गेट पर अपने दोनों बच्चों के साथ मैं बैठी हुई हूँ। और उनका ये कहना है कि वे कौशाम्बी की रहने वाली है, दबंगों ने उनकी जमीन हड़प ली है, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, उनके पति और उनके 3 साल के बच्चों के साथ मारपीट की गई है और मारपीट में उनके पति के पैर भी टूट गए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय पुलिस को की है। लेकिन दबंग अरविंद यादव के प्रभाव में पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है, इसलिए पहले वे लखनऊ धरना पर गई और इस दौरान वहां लोगों ने उनसे कहा कि आप गोरखपुर जाइए और वहीं ही आपको न्याय मिलेगा, जिसके बाद से वे लगातार मंदिर के सामने बैठी हुई है। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं, न्याय की गुहार लगाती हुई ये महिला नजर आ रही है। दबंगों ने इनकी जमीन हड़प ली है और साथ ही अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर प्रशासन के तरफ से और साथ ही सीएम के तरफ से क्या कुछ न्याय इस महिला को दी जाती है। कहाँ से आई हैं? कौशाम्बी से। अच्छा, कब से यहाँ आप मंदिर के गेट के सामने बैठी हैं? हम निकले हैं घर से शनिवार को, सोमवार तक लखनऊ में धरना धरे थे, फिर लखनऊ वाले बोले गोरखपुर में जाओ, तो सोमवार के हम 10 बजे रात के यहाँ आए हैं, फिर सोमवार से अभी तक यहीं हम पड़े हैं। किस वजह से आप यहाँ मंदिर मुख्यमंत्री गेट पर बैठी हैं? गुंडे लोग आतंक हम बाजी हमारे साथ कर रहे हैं। क्या किए? हमारी जमीन भी ले लिए, हमारे साथ बदतमीजी भी किए, छेड़छाड़ी भी किए, 3 साल के बच्चे का हमारे मारे भी। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है क्या? प्रशासन को जो अरविंद यादव है वो खरीद लिया है, थाना चौकी दोनों को। और अब खबर मथुरा से है, जहां पर चोरी करने वाले 4 सदस्य को मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 14 मोबाइल बरामद कर ली है। बता दें कि मथुरा में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु के साथ जगह जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे ये चोर, जिसके बाद से पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और लगातार अब इनसे पूछताछ की जा रही है। आज एक बड़ी सफलता मिली है, 4 मोबाइल चोर जो पकड़े गए हैं उनके पास से 14 मोबाइल रिकवर किए गए हैं, जिसमें 4 मोबाइल पूर्व में मुकदमे जो लिखे गए हैं उनसे कनेक्ट हैं और शेष मोबाइलों को कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पिछले काफ़ी दिनों से मोबाइल चोरी की घटनाएं कर रहे थे और आज गोविंद नगर पुलिस को इनकी गिरफ्तारी में सफलता मिली है। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार प्राइवेट बस चालक ने सामने आ रहे बाइक सवार 3 किसानों को टक्कर मार दी है, इसमें से एक किसान की मौत हो गई है, 2 किसान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रास्ते से निकल रहे लोगों के सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल किसानों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है और डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया है। जिले के बदकी कोतवाली क्षेत्र के दरवेश के
बाद गांव के पास फतेहपुर की ओर सवारी लेकर आ रहे प्राइवेट बस चालक ने सामने आ रही बाइक सवार तीन किसान को टक्कर मार दी है। इसमें एक किसान राकेश कुमार पासवान के बेटे विजय लाल जो कि 44 वर्ष के है, मौके पर उनकी मौत हो गई। ये राकेश पासवान है, हमारे खजुआ ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं और सरकंडी गांव के रहने वाले हैं। वो देर रात दारी गांव से निमंत्रण करके वापस सरकंडी अपने गांव जा रहे थे। उमरपुर रोड पर इनका एक बस से दुर्घटना हो गई। वो बस बिल्की से जा रही थी फतेहपुर, ये रारी से जा रहे थे बिल्की, तो वहीं पर देर रात दुर्घटना हुई तो ऑन स्पॉट ये ख़त्म हो गए। बाकी दो लोग बहुत सीरियस हैं, वो कानपुर में। देवबंद में ठगी पीड़ित परिवार ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है। ठगी पीड़ित परिवार ने जिला अध्यक्ष मदन कुमार ने बताया है कि जो बता दें कि बाइट एक्ट बनाया गया है 2019 ए, उसे लागू करने के लिए हम लोग उप जिलाधिकारी से मिले और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उनके आश्वासन के बाद से फॉर्म जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ज्ञापन देने वालों में कई लोग मौजूद नजर आए हैं। आज हम एसएम साहब से मिले, जो ठगी पीड़ित परिवार है, चाहे वो समृद्ध जीवन का हो, पल्स का हो, सहारा का हो, साई प्रकाश हो का हो, साई प्रसाद का हो या किसी भी अन्य ठग कंपनी का, तो जो बेड्स एक्ट बना है 2019 उसको लागू कराने के लिए हम एसडीएम साहब से मिले और एसडीएम साहब ने हमें बिल्कुल आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद में फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये हमारे उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा तहसील है जहाँ शुरुआत में ये बेड्स एक्ट लागू हुआ है और हम जितने भी ठगी पीड़ित परिवार के लोग हैं, चाहे वो किसी भी ठगी कंपनी से आए हों, उनके सभी के सभी फॉर्म जमा होंगे और 180 कार्य दिवस के बीच में सभी लोगों का पैसा वापस होगा और ये पैसा सरकार वापस करेगी, उसकी संपत्ति भी पर करेगी, चाहे चल हो या अचल संपत्ति हो। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने दो थानों से जुड़े 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। एसपी की इस कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें पुलिस की छवि पर दाग लग रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियो की जाँच कराकर पुलिस अधीक्षक ने यह कार्रवाई की है और 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। कप्तान ने बता दें कि बाबूगढ़ थाने से जुड़े हेड कांस्टेबल बाबूराम तोमर, कांस्टेबल मनमोहन सिंह, गढ़मुक्तेश्वर थाने से जुड़े हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, हेड कांस्टेबल हरेंद्र को निलंबित कर दिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर बुधवार को 2 वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें से एक मुक्तेश्वर, साथ ही बता दें कि बाबूगढ़ थाने से जुड़ी हुई है। वायरल वीडियो के अनुसार पुलिसकर्मी हाईवे पर वाहनों से वसूली करते दिख रहे हैं। वीडियो में काफी तेजी से वायरल हुआ है जिसके संज्ञान में लेने के बाद से पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही एसपी ने मामले की जाँच कर एएसपी मुकेश चंद्र मिश्रा को यह सौंपा है। एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिसकी जांचों उपरांत पाया गया कि उसमें कुछ कांस्टेबल्स हैं जो हाईवे पे पोस्टेड है, हाईवे मोबाइल में, और वो लोग गाड़ी पास कराने को लेकर के कुछ अवैध उगाही कर रहे हैं। वीडियो संज्ञान में आते ही जो 4 कर्मी उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें जो एडिशनल एसपी उनको इस पूरे प्रकरण की जाँच दी गई और जो हाईवे मोबाइल्स में लगातार व्यक्ति एक ही थाने में पोस्टेड चल रहे हैं उनकी भी तैनाती चेंज करी जाए। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में तेज रफ्तार बाइक सवार ने छात्रा को जोरदार टक्कर मार दी है जिसमें छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना पहुंचाया गया है जहां उपचार चल रहा है। श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडल थाना क्षेत्र के श्यामत प्रसाद चौधरी महिला डिग्री कॉलेज से घर जा रही छात्रा सोनी यादव पुत्र ओमकार यादव निवासी चक्र भंडार को तेज रफ्तार बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और साथ ही घायल होने की सूचना लोगों ने पुलिस को दे दी, जिसके बाद से पुलिस ने इस मामले की जानकारी एम्बुलेंस की दी और एम्बुलेंस की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और साथ ही चिकित्सालय द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है।
बदायूं अस्पताल अपनी बदहाली की आंसू बहा रहा है। एक बार फिर से अपनी मतप्राय को हो चुकी संवेदनशीलता को लेकर मीडिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हालांकि जिला अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद से हरकत में आया अस्पताल प्रशासन के मामले को बेहतर बनाने की कोशिश तो की, मगर सवाल अब जियो का त्यों ही बना हुआ है कि क्या बिना सुविधा शुल्क के सरकारी अस्पताल में आम आदमी का इलाज संभव है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अस्पताल की स्थिति जस की तस बनी हुई है और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। और बदायूं अस्पताल की ये तस्वीर है जो अपनी बदहाली के आंसू बयां करती हुई नजर आ रही है। इसमें लेकर इस अस्पताल को लेकर पहले भी तमाम तरह के आरोप लगे हुए थे, डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई थी और मरीजों को इलाज के लिए वहाँ पर मशीनें भी कम है और मरीजों को सटीक इलाज नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर भी तमाम सवाल इस अस्पताल पे उठे थे। और जिसके बाद से जिला अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद से ये अस्पताल हरकत में भी आई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने मामले का बता दें कि सवाल अभी भी जस का तस ये बना हुआ है कि अस्पताल में इतनी लापरवाही है, फिर भी प्रशासन इस मामले को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। क्यों सरकार अस्पतालों को लेकर, गरीबों को लेकर तमाम तरीके की दावा करती है और ये दावा सच साबित नहीं होता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर जब हम अस्पताल की तस्वीर देखते हैं वहाँ मरीजों को सुविधा नहीं दिया जाता है, मरीजों के लिए मशीन नहीं होती है, डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिलती है, अस्पताल में जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही देखने को मिलती है, क्योंकि प्रशासन जो है वह जमीनी स्तर पर जाकर अस्पतालों की जांच करता ही नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टरों की इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, मरीजों को काफी तरीके की परेशानी होती है। जिस तरीके से बता दें कि सरकारी अस्पताल में मरीज जाते हैं और उनका ये कहना होता है कि हमें इलाज में कम से कम पैसे देने पड़े और इसके लिए हम सरकारी अस्पताल की तरफ रुख करते हैं, लेकिन जब सरकारी अस्पताल से ही मरीजों को इलाज नहीं ढंग का मिले, डॉक्टर की लापरवाही सामने आए, तो यह कहीं ना कहीं सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े करती है और प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। झांसी में अपना दल एस अल्पसंख्यक मंच के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अहमद खान मसूरी का बता दें कि नजाई बाजीर के प्रांगण में सिक्कों से तुला कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता अनूप गुप्ता ने वरिष्ठ अतिथि महिला मंच के प्रदेश अध्यक्ष दीपा माल कुशवाह रहे हैं और साथ ही कार्यक्रम में आयोजक कल्लू लिधौरिया ने उपस्थित अतिथियों का माला पहनाकर पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया है। रायबरेली के आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने से नवनिर्मित कोच लेकर जा रही रेल कोच कारखाने से निकलकर 1 किलोमीटर दूर गई और इस दौरान बता दें कि लालगंज क्रॉसिंग में मुख्य रेल मार्ग पर पहुंचते ही वहां पर इंजन जो है पटरी से उतर गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।